पे कहा कि आजमाइशें हमेशा नेक लोगों पर ही आती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मियां साहब को इसलिए निकाला क्योंकि वो मेड इन पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान में अब मेड इन पाकिस्तान ही चलेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि मुआहिदा हुकूमत से होना होता तो वो 22 दिन धरने पर ना बैठते। सबको पता है इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में क्या तब्दीली लाएंगे। मुहब वतन लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है। पार्लियामेंट के तकद्दस को पामाल नहीं होने देंगे। मिसाक जमहूरियत को रखा है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नहीं बोलूंगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मीडिया से जो गुफ्तगू की उस हवाले से आपको बता रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि आजमाइशें हमेशा नेक लोगों पर ही आती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहती हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। आजमाइशें हमेशा नेक लोगों पर आती हैं। नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब आप मेड इन पाकिस्तान हैं इसलिए आपको निकाला और इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान ही चलेगा। आपको इसलिए निकाला कि आप तो कभी एटमी धमाके कर देते हैं, कभी आप मुआशी धमाके कर देते हैं और आप पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को 70 साल से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हैं और जिन्होंने इस पाकिस्तान को 2 लख किया वो मुहब्बे वतन सियासतदानों को आगे नहीं आने दे रही। और इंशाल्लाह ताला 22 करोड़ अवाम का ये फैसला आ चुका है कि अब पाकिस्तान में राज वही करेगा जो मेड इन पाकिस्तान हो।